रिया जेल से आउट, बिग बॉस में इन। प्लीज वेलकम हमारी नेक्स्ट सदस्य का क्लास थोड़ा अलग है। गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। सुशांत को बर्बाद करने वाले रिया को आबाद करेंगे। जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तो बैठे बैठे पब्लिसिटी मिल गई, जेल में योगा करके आई बिग बॉस के अंदर जाती भी है ये सोच के कि भैया वो इनोसेंट बनेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बॉलीवुड एंटी हिंदू तो है ना, तो बिग बॉस भी हिंदू फोबिया ही फैलाता है। रिया बिग बॉस जा रही, कंफर्म। हमारे तीन तूफानी बिग बॉस पर्सनालिटीज, मेरे लिए अगर कुछ हो सही तो मुझे किसी और की नहीं पड़ी। इसी उसूल के साथ मैंने जीता है बिग बॉस। मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। 28 दिनों तक मुंबई के इसी भाईखला जेल में बंद रही रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब रिया शर्तों के साथ आजाद है, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं। जो बड़ी खबर है वो न्यूज नेशन आपको बताने जा रहा है। मुंबई की पेस्ट्री सर्कल में इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद आखिरकार बुधवार को रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है। बिग बॉस का सीजन 14 शुरू हो चुका है, बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि इसी सीजन में रिया चक्रवर्ती की बिग बॉस में एंट्री तय है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई में दर्ज एफआईआर में बतौर मुख्य आरोपी जिसका नाम हो, जिस पर ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने के गंभीर आरोप है, जो जमानत पर जेल से रिहा हुई है, उसकी अगर बिग बॉस में एंट्री होने वाली है तो सवाल तो उठेंगे ही। अब जब ये लगभग कंफर्म है कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की बिग बॉस के इसी सीजन में एंट्री होगी, तो सवाल ये है कि क्या खुद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बिग बॉस के घर जाने की दिलचस्पी दिखाई, या फिर बिग बॉस की टीम ने इसे लेकर रिया चक्रवर्ती से संपर्क किया। हमने इन सवालों का जवाब जानने के लिए काफी रिसर्च किया। रिया की फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर एंटरटेनमेंट चैनल्स के टीआरपी के आंकड़े तक खंगाले। बिग बॉस सीजन 14 में शामिल कंटेस्टेंट के प्रोफाइल को चेक किया। हमें जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। सबसे बड़ी जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक जिन लोगों ने सुशांत को बर्बाद किया उन्होंने अब रिया को आबाद करने का ठेका ले लिया। देखिए हम आपको बता रहे हैं कुछ अहम बातें जिनको समझना बेहद जरूरी है। किस तरीके से बिग बॉस में रिया की एंट्री हो रही है और उस पर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में बिग बॉस के सीजन 14 में सेलिंग पॉइंट की कमी है यहाँ पर, उस तरीके की वो वजह नजर नहीं आती है, वो फैक्टर नजर नहीं आता है। ये अपने आप में एक बड़ी वजह है। शो की लोकप्रियता उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती है, इस तरीके की आशंका जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो जता रहे हैं। रिया को बॉन्ड भरने तक के लिए पैसों की कमी है, तो यहाँ पर संकट रिया चक्रवर्ती के सामने भी है। आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बिग बॉस और रिया चक्रवर्ती दोनों को आज की तारीख में क्यों एक दूसरे की जरूरत है। बिग बॉस सीजन 14 शुरू हो चुका है। इस शो के प्रमोशन को लेकर लगातार कोशिशें की गई, लेकिन अब तक इस प्रोग्राम को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है जितना चैनल को उम्मीद थी। और यह दावा किया जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती की एंट्री बिग बॉस के घर में होती है तो इस शो की टीआरपी आसमान को चूमेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती 4 महीने पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर ऐश कर रही थी। यूरोप के कई देशों में छुट्टियां मनाने जाती थी।
विदेशों में शॉपिंग से लेकर टिकट का सारा पैसा सुशांत के बैंक खाते से जाता था। प्रवर्तन निदेशालय उन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती के हाथ लगभग खाली हो चुके हैं। ऐसे में रिया को जहां अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को पटरी पर लानी है, तो वहीं उसे अपनी इमेज मेकओवर भी करनी है, और इसके लिए बिग बॉस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती को ये मौका आखिर कौन देना चाहता है? कौन है जो उसे बिग बॉस के घर में एंट्री दिलाना चाहता है? आखिर वो कौन है जो रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस के घर तक लाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे वो इस्लामिक बॉलीवुड जिसकी बात एक्ट्रेस कंगना रनौत कर रही है, या फिर खान गैंग? इन सब की सच्चाई जानने के लिए हमने बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागियों से बात की। इन्हीं में से एक है पायल रोहतगी। पायल किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी चैनल्स के डिबेट में बेबाकी से अपनी राय रखती हैं पायल। 2013 में बिग बॉस 7 में कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। पायल रोहतगी साफ साफ कहती हैं कि सुशांत को बर्बाद करने वाले अब रिया चक्रवर्ती को आबाद करने की कोशिश में जुट गए हैं। क्या रिया चक्रवर्ती की बिग बॉस के घर में एंट्री कराकर बॉलीवुड अपने ऊपर लगे तमाम सवाल और तमाम दागों को धोना चाहता है? देखिए, बॉलीवुड तो ऑब्वियसली कह रहा है ना कि हमारी थाली में छेद मत करो। मतलब इमेजिन करो, इतनी वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन संसद में बैठ के थाली और छेद की बात करती है। वो जया बच्चन जी जिनको कभी कुछ नहीं कहना था ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, और कभी भी कुछ भी और कोई मुद्दे के ऊपर नहीं कहना था, चाहे पालघर साधुओं की लिंचिंग ही क्यों ना की गई हो वीडियो के अंदर, जो वीडियो वायरल है। तो अभी देखो, बॉलीवुड इज ट्राइंग टू सेव देयर फेस। अब बॉलीवुड का ड्रग एंगल तो सबको पता चल गया है। सबको पता चल गया कि बॉलीवुड में माल का इस्तेमाल होता है, और ये माल का इस्तेमाल दीपिका पादुकोण से लेके श्रद्धा कपूर से लेके सारा अली खान से लेके रकुल प्रीत सिंह करते हैं एज पर द व्हाट्सएप चैट्स। तो अभी बॉलीवुड तो फेस सेविंग करेगा ना, बिकॉज सबको पैसे कमाने हैं, एंड बॉलीवुड इज एन इंडस्ट्री जो बहुत फैंस रखती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, पायल रोहतगी कहती हैं कि रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस में एंट्री दिलाने के पीछे इस्लामिक बॉलीवुड गैंग एक्टिव है। क्या आपको लगता है बॉलीवुड में हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा है, 5 सीजन में आप वो विवादित हिंदू चेहरे लेके गए जो स्वयंभू हिंदू धर्म गुरु हैं, जिन्हें हिंदू धर्म भी संत की साधु की साध्वी की मान्यता नहीं देता। आप चुन चुनकर ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल शख्स लेके गए, शख्सियत लेके गए बिग बॉस के घर में, जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएं, हिंदू धर्म को बदनाम करें, चाहे वो ओम बाबा हो, फिर अब राधे माँ को आप लेके जा रहे हैं। तो कभी भी हम ऐसे दूसरे धर्म के धर्मगुरु नहीं देखते हैं बिग बॉस के घर में। क्या आपको लगता है इसके पीछे भी कोई साजिश है? अगर दूसरे धर्म के धर्मगुरु देखेंगे तो उनके ऊपर, बिग बॉस के ऊपर ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस खाली वही टॉलरेंट धर्म के धर्मगुरु को बुला सकता है जिस धर्म के अंदर लोग पीके जैसी फिल्म को हिट बनाते हैं, जहां पर हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। तो हिंदू तो बहुत ज्यादा टॉलरेंट है, सनातन धर्म इतना टॉलरेंट है कि हमने अपने धर्म के अंदर हमारे ही धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हुए देखा है, और हमने उन्हें कन्वर्ट होने दिया है। उसके बावजूद हमें इंटॉलरेंट कहा जाता है, हमें रिग्रेसिव कहा जाता है। बॉलीवुड की एक थॉट प्रोसेस है जहां पर एक ब्राह्मण को कपटी दिखाया जाएगा, चाहे हाल में ही रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक ही क्यों ना हो या बुलबुली क्यों ना हो, वहां पर भी हिंदू फोबिया फैलाया गया था। तो बॉलीवुड में तो हिंदू फोबिया है, यही है कि अभी तक लोगों को लगता है कि वो जो भी बोलते हुए आए थे वो कंटिन्यूसली बोलेंगे और हम एक्सेप्ट करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो अपना साइड रखेंगे तो हम भी साइड रखेंगे। बिग बॉस के अंदर गौहर जैसी इंसान जाती है और अपने धर्म के वर्सेस बोलती है जब वो घर के अंदर एंट्री करती है, या कुछ उसको अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है। ओके, मतलब अगर कोई हिंदू बोलेगा जय श्री राम या जय शिवाजी या जय भवानी, तो वो हिंदू को कम्युनल का टैग दे देंगे बाहर के जो लिबरल्स बैठे होंगे। मैं उन्हीं लिबरल्स को बोलती हूँ कि जो लड़की ओम का जाप नहीं कर सकती थी अपने शो के अंदर, अपने सीजन के अंदर, और उसने ओम बोलने से मना कर दिया और दिवाली मनाने से मना कर दिया, उस लड़की को आप बिग बॉस के अंदर फिर से लाते हो, तो बिग बॉस भी हिंदू फोबिया ही फैलाता है, और आप उस लड़की को पैसे भी देते हो। तो आप समझ जाओ ना
क्योंकि ये गौहर के बारे में मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि संग्राम उस सीजन में थे, उसने दिवाली नहीं मनाई बिकॉज वो उसका धर्म नहीं था। मुंबई में न्यूज नेशन की टीम ने रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे से एक सीधा सवाल पूछा था कि क्या रिया चक्रवर्ती बिग बॉस जा रही हैं। सतीश माने शिंदे ने इस सवाल को ना ही खारिज किया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। रिया चक्रवर्ती के वकील ने भले ही बिग बॉस से जुड़े सवाल को टाल दिया, लेकिन आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर रिया चक्रवर्ती बिग बॉस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर क्या कर सकती है। रिया से जुड़ी हुई तमाम विवाद, तमाम सेंसेशन जो है बिग बॉस के घर में खूब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। रिया चक्रवर्ती बिग बॉस में बड़ा धमाका कर सकती हैं क्योंकि कंट्रोवर्सीज उनके साथ पिछले 3 महीनों से लगातार जुड़ी हुई हैं। सुशांत की मौत से जुड़ा कोई बड़ा राज दुनिया को वो बता सकती हैं। सुशांत के साथ सारा श्रद्धा के रिश्तों पर भी खुलासा कर सकती हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टी पर भी खुलासा कर सकती हैं। ड्रग्स बंडली के नए नाम बता सकती हैं और दीपिका पर लगे आरोपों पर भी बोल सकती हैं। ऐसी उम्मीद है अगर वो बिग बॉस के घर में जाती हैं। एनसीबी पूछताछ में क्या पूछा गया, जेल के अंदर बिताए गए लम्हे कैसे थे, इसके अंदर की इनसाइड स्टोरी का खुलासा कर सकती हैं। और इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि जेल में 28 दिन की कहानी भी बताएंगी, एनसीबी की पूछताछ के हर लम्हे को भी बयां करेंगी। दरअसल अभी तक रिया चक्रवर्ती को लेकर जो निजी वीडियो सामने आए हैं उससे तो यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस जैसे शो का फॉर्मेट सूट करता है जिस शो में हर तरह की पूरी आजादी हो। गुंडे के माफिक समझते अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोकरे तू क्या कर रहा आजकल, एक काम कर जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हूं। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह रिया चक्रवर्ती एक बिंदास लड़की की तरह पेश आ रही थी। शब्दों का कोई लिहाज नहीं, इसलिए हमें कुछ शब्दों को सेंसर भी करना पड़ा। अबू भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है अबू किया, बहुत ऐसा लगा कि लेकिन आपको अब समझना होगा कि इस बार बिग बॉस में कौन कौन से प्रतिभागी। बिग बॉस सीजन 14 में इस बार जो कंटेस्टेंट शामिल हैं उनको पहले आप जान लीजिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। बिग बॉस 14 के प्रतिभागी हैं निक्की तंबोली हैं जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, एक जाना पहचाना चेहरा। अभिनव शुक्ला हैं जो कि टीवी एक्टर हैं, टीवी की दुनिया में ये भी जाना पहचाना चेहरा। इसके अलावा रुबीना दिलैक टीवी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा जो अगला किरदार है बिग बॉस सीजन 4 में, जैस्मिन भसीन हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, छोटे पर्दे पर लगातार आप इन्हें देखते रहते हैं। निशांत सिंह मलकानी हैं, ये भी टीवी एक्टर हैं, यानी कई सारे टीवी पर्दे पर दिखने वाले सितारे आपको दिखेंगे। शहजाद देओल हैं जो कि मॉडल हैं, मॉडल की दुनिया का एक नाम। सारा गुरपाल हैं जो कि पंजाबी सिंगर हैं, कई सारे इनके पंजाबी गाने काफ़ी प्रसिद्ध हुए। जान कुमार सानू हैं, ये भी सिंगर हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। पवित्रा पूनिया हैं जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, एक और टीवी की दुनिया का किरदार। राहुल वैद्य हैं, ये भी सिंगर हैं। ये सारे प्रतिभागी बिग बॉस सीजन 14 के। एजाज खान टीवी एक्टर हैं। तो ये सारे किरदार आपको बिग बॉस सीजन 14 में पूरे सीजन लगातार बिग बॉस के घर में अपने दांव पेच आजमाते नजर आएंगे। आमतौर पर बिग बॉस के एक सीजन में 14 कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन इस बार अब तक बिग बॉस के घर में 11 प्रतियोगी ही हैं। ऐसे में अभी भी बिग बॉस के हाउस में कंटेस्टेंट की जगह बाकी है और रिया चक्रवर्ती की एंट्री बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की वजह से हो सकती है। आखिर बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों कराई जाती है ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए बिग बॉस में कब कब बड़े चेहरों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। एक्ट्रेस सनी लियोनी भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं। बिग बॉस सीजन 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और इसके बाद इस शो की पॉपुलैरिटी आसमान पर थी। आपको बता दें कि ये इस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स की एंट्री कराई जाती है। बिग बॉस सीजन 7 में जो सीजन 7 था बिग बॉस का, उसमें मॉडल सोफिया हयात की एंट्री हुई थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी ये भी। सीजन शुरू हो चुका था,
जबकि हॉलीवुड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन बिग बॉस सीजन 4 में दिख चुकी थी। एंडरसन कुछ वक्त के लिए आई थी। आपको बता दें, एक्ट्रेस और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के संबंधों की वजह से चर्चा में रही मोनिका बेदी भी बिग बॉस सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड के जरिए नजर आई थी। और वहीं बिग बॉस सीजन 14 जो मौजूदा सीजन है, अब उसमें खबरें लगातार, खबरों का बाजार गर्म है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है रिया चक्रवर्ती की।